तो दोस्तों अगर आप लोग का भी आदत है इंस्टाग्राम का रील्स स्क्रॉल करने का तो दोस्तों आप लोगों ने यह सॉन्ग तो जरूर सुना होगा। दोस्तों अभी के टाइम पे इंस्टाग्राम पर गाने इतने ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं कि मैं क्या हूँ बताऊँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग उसी में से एक सॉन्ग पर वीडियो लेकर के आ चुका हूँ जो कि बहुत ही कमाल का ट्रेंडिंग सॉन्ग है और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इतना प्यारा ये म्यूजिक है और सॉन्ग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिएगा और आज का जो टूटल होने वाला है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और कुछ ऐसे ऐसे नए नए इफेक्ट भी इसमें ऐड किया हूँ जो कि बहुत ही मज़ा देगा इस वीडियो को। तो इस वीडियो के लिए लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कॉल पर सर्च कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का हम प्रीव्यू देख लेते हैं, लेट्स गो। करेजा के पार हो जाए शास्त्री भैया, एक लाइन और हमारे गुरु जी कर ले उनका। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने देखा है बहुत ही कमाल का इंटरेस्टिंग ट्रेंडिंग आज की इस वीडियो को क्रिएट किया गया जिसमें हमने बहुत ही कमाल कमाल के नए नए इफेक्ट को भी इसमें ऐड किया है। तो आप इसे कैसे क्रिएट करेंगे अपना फोटो या फिर किसी का फोटो लगा करके वो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो इसके लिए आप बने रहिए वीडियो में एंड तक और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल कॉल पर जरूर से कर लीजिएगा। आज की वीडियो को बनाना बहुत आसान, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है दोस्तों अलाइट मोशन। ये आपको प्ले स्टोर पर बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों यहाँ पर आप मेरे एक बार टेलीग्राम से जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर हमने इसको पिन करके रख दिया है। एंड दोस्तों इसमें इतने फोटो वगैरह यूज होंगे सब आपको देखने मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और इसमें जितने वीडियो क्लिप वगैरह यूज हुए हैं सब आपको देखने मिल जाएगा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तब जाके बहुत ही आसानी से डाउनलोड करके इसको सबसे पहले आप इंपोर्ट कर लीजिए। अगर आपको इंपोर्ट करने में किसी प्रकार से कोई दिक्कत होती है तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप लोग के प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन करने की 100% कोशिश जरूर करूंगा। सो गाइस सबसे पहले आपको अलाइट मोशन को ओपन कर लेना है और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ेगी, जैसे इस प्रकार से शॉम बिट मार्क और शेक इफेक्ट, कुछ इस प्रकार का प्रोजेक्ट है, ठीक है। एंड गाइस आपको मैं इसका फुल प्रूफ प्रोजेक्ट देने वाला हूँ, तो वो कौन कौन से लोग डाउनलोड कर पाएंगे, कौन कौन से लोग इंपोर्ट कर पाएंगे वो भी आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका जो गैलरी है इसको आपको ओपन कर लेना है एंड यहाँ पर आप जिस भी फोटो पे बनाना चाहते हैं उस फोटो को सेलेक्ट कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार से और शेयर पर क्लिक करके पी कार्ड्स में इसको शेयर कर देना है। एंड यहाँ पर आपको क्रॉप टूल्स पर जाना है, क्रॉप पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर गाइस आपको जो भी साइज यहाँ पर मैं बताऊँगा वही साइज आपको रखना है। सबसे पहले गाइस यहाँ पर जो स्टोरेज साइज इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आपको जो साइज का टिक बना हुआ है इस पर क्लिक करके यहाँ पर डाउनलोड बटन बना हुआ है इस पर करके आप डाउनलोड कर लीजिए। कम से कम 10 से 15 फोटो किस प्रकार से आपको कर लेना होगा। उसके बाद गाइस आपका जो अलाइट मोशन इसको आपको ओपन कर देना है। सो गाइस सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट पर जाना है एंड यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने मिल जाएगा वायरल सॉन्ग बिट मार्क और शेक इफेक्ट और लिरिक्स प्रोजेक्ट, कुछ इस प्रकार का प्रोजेक्ट है। तो कौन कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पर लगेगा वो सब आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों अभी हमने जो फोटो वगैरह जो अभी किया था उसको यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले जो नीचे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो ग्रीन कलर का मार्क है इस पर क्लिक करेंगे और कलर फील्ड पर जाएंगे और स्टार वाले आइकॉन पर क्लिक कर देंगे। एंड गाइस यहाँ पर आपको जो भी फोटो पसंद आता है अपने अकॉर्डिंग आप कोई फोटो इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको जो फोटो पसंद है आप कोई फोटो लगाएं, ठीक है। तो आप जिसका चाहे उसका फोटो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं फोटो यूज़ करने वाला हूँ बहुत सारे फोटोज़ हैं तो मैं किसी का फोटो यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो जो हमने पी कार्ड से फोटो क्रॉप किए थे वो फोटो हम देख लेते हैं। सबसे पहले गाइस हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने फोटो वगैरह इसके बैकग्राउंड में लगाया था वो फोटो हम यहाँ पर लगा के देख लेते हैं कैसा दिखता है। यहाँ पर गाइस हम कुछ इस प्रकार से हमारे जैसे हम ये फोटो यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर जो हमारा इसके बैकग्राउंड में जो फोटो था हमारा कुछ इस प्रकार से लग गया है। अभी गाइस बीच में भी आपको लगाना है तो इस पर क्लिक करेंगे, कलर पर जाएंगे, स्टार आइकॉन पर क्लिक कर देंगे। आपको जो फोटो पसंद आता है आप फोटो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये फोटो यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, आप यहाँ पर दे सकते हैं क्योंकि बहुत ही सारे से यूज हो गया है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। फिर दोस्तों आपको आगे जाना है और यहाँ से हमारा कुछ एनिमेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कौन कौन सा एनिमेशन लगेगा, कैसे क्या करना है वो भी आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों जो हमारा ये ग्रीन कलर का मार्क है इस पर क्लिक करेंगे, कलर पर जाएंगे, स्टार आइकॉन पर क्लिक कर देंगे।
एंड गाइस इसके बैकग्राउंड में आपको जो फोटो पसंद आता है आप फोटो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो मैं गाइस ये फोटो यूज़ कर लेता हूँ, ये भी यूज़ कर सकता हूँ, कोई फोटो मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर ये फोटो इसके बैकग्राउंड में लगा लिया कुछ इस प्रकार से, इसको अपने अकॉर्डिंग में एडजस्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये गाइस कुछ इस प्रकार से ये हो गया। अभी गाइस इसके बीच में आप कुछ एनिमेशन वगैरह भी ऐड करने हैं, तो वो सबसे पहले दोस्तों यहाँ जो हमारा सेकेंड बीट है यहाँ पर आपको आ जाना है और डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो क्लिप देखने को मिल जाएगा, उस वीडियो क्लिप को आपको डाउनलोड कर लेना है। कुछ इस प्रकार के ये वीडियो क्लिप है जो कि यही गाइस अभी के टाइम पे इंस्टाग्राम पे बहुत ही तेज वायरल चल रहा है, ठीक है। तभी हम कुछ इस प्रकार से इसको यहाँ पर इस तरह से सेट करेंगे जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आपको भी कुछ इसी प्रकार से करना है। इसका जो एंडिंग पॉइंट होगा, इसका जो बीट होगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये बराबर होना चाहिए। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा तो इसका जो बचा हुआ पार्ट है कुछ इस प्रकार का लेफ्ट वाला, इस पर क्लिक करना है और ये जो आपका निशान है इस पर क्लिक करके इसको कट कर देना है। इसका जो वैल्यूम है, सबसे पहले हम इसका जो वैल्यूम है इसको हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे और इसका जो वैल्यूम है इसको हम जीरो कर दिए। अभी गाइस इसको जीरो करने के बाद इसको आपको सेट करना होगा, जो ऊपर का पार्ट है इसको कट करना है। तो आपको प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक शेप ले लेना है, इसको शेप लेना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना है और इसको कुछ इस प्रकार से आपको सेट करना है और बैक कर देना है। फिर शेप पर जाना है और इसको कुछ इस तरीके से आपको ये सेट करना है जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से ये सेट हो गया। फिर नीचे वाले पे सिलेक्ट करना, इसको भी थोड़ा सा चौड़ा कर लेना है जो कि आपका जैसे ये रहेगा कुछ उसी प्रकार से आपको ये सेट करना होगा, ठीक है। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं जैसे वो था मैंने यहाँ पर उसको इस तरीके से मिला दिया है, ठीक है। अब गाइस जहाँ तक हमारा ये वीडियो क्लिप का एंडिंग पार्ट है यहाँ तक आपको क्लिक करना, इस ग्रुप को हम यहाँ तक मिला देते हैं कुछ इस प्रकार से। अभी गाइस ये मिल गया है, इस दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे और ऊपर में जो सेकंड वाला ग्रुप है इस पर क्लिक करके इसको मिला देंगे। तो गाइस यहाँ पर ये मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से और इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर बॉर्डर पे जाना है और ऐड बॉर्डर पे क्लिक करना है। इसका जो बॉर्डर है वो हम यहाँ पर वाइट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर बैक करना है और बॉर्डर पर ही क्लिक करना है और नीचे आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके इसका जो शैडो है इसको इस प्रकार से इनेबल कर देना है। तो ये कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। फिर मूवमेंट ट्रांसफर पर जाना है, इसको हम अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये बड़ा हो गया, ठीक है। गाइस बड़ा हो जाने के बाद यहाँ पर आपको एक इमेज ऐड करने हैं जो कि इसका बैकग्राउंड इरेज होना चाहिए, जो कि आप यहाँ पर गूगल क्रोम से जाके इसको इरेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम प्लस पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे जाएंगे और यहाँ पर हमारा जो भी बैकग्राउंड इरेज किया था वो यहाँ पर हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फोटोज़ हैं, आप भी अपने अकॉर्डिंग कोई फोटो इसमें यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गाइस ये फोटो लेने वाला हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, थर्ड वाले पर क्लिक करके इसको कुछ प्रकार से हम सेट कर लेते हैं। सबसे पहले ये कुछ इस प्रकार से इसको हम बड़े करके सेट कर लेते हैं, ये कुछ प्रकार से गाइस ये सेट हो गया, ठीक है। अब ये जहाँ तक आपका वीडियो क्लिप का एंडिंग पार्ट है यहाँ तक ये रहेगा, ठीक है। अब ये गाइस कुछ इस प्रकार से ये सेट हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी यहाँ पर एक शैडो भी लगाना है तो हम यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करके एक शेप लेंगे और इसको फुल स्क्रीन कर देंगे। फिर यहाँ पर हम कलर पे जाएंगे, थर्ड वाले पे क्लिक करेंगे और इसका हम एक शेप बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर गाइस हम कुछ शेप बना लेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो शेप है वो बन गया है। फिर ब्लैक पे क्लिक करेंगे और थर्ड जो सेकंड अपल ऑप्शन है इस पर क्लिक करके इसका जो ऊपर का पार्ट है इसको हम इस प्रकार से हाइड कर देंगे। अब चाहे तो आप यहाँ पर वाइट भी रख सकते हैं या फिर इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो हम इसी पर क्लिक करेंगे, इसका कलर हम रख देते हैं कुछ प्रकार से ये वाला, ताकि हम इसका डार्क भी बाद में फिर चेंजिंग वगैरह भी कर पाएँ। तो हम सही पर टिक करके इसको हम सेट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से और आपका जो ये बीट मार्क है इस प्रकार से जो आपका वीडियो का एंडिंग पार्ट है यहाँ पर क्लिक करके इसको मिला देते हैं, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से ये मिल जाएगा, तो अपने अकॉर्डिंग इसको आप सेट कर सकते हैं। इसको हम सबसे पहले नीचे थोड़ा सा कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो ये कुछ प्रकार से ये ऐड हो गया। अब गाइस इसमें इसके अंदर कलर वगैरह ऐड करने हैं, तो इफेक्ट पे क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पर आपको एक इफेक्ट सर्च कर लेना है, HUE कुछ प्रकार से सर्च कर लेना है और स्टैंड पे क्लिक कर देना है। फिर आपको एक प्लस पे क्लिक करना है और इसका जो वीडियो का एंडिंग पार्ट है यहाँ तक आपको आ जाना है। फिर प्लस पे की करना है और इसको जो है आपको 1K तक कर देना है, दोस्तों 1000 प्लस पे आपको कर देना है। देख सकते हैं कुछ प्रकार से आपका जो बीच बीच में ये कलर है ये भी आपका चेंज होगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने में लगेगा। अगर आप फोटो का वीडियो थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। अब गाइस यहाँ पर आपको कुछ लिरिक्स वगैरह पेस्ट करने हैं जो कि हमने खुद क्रिएट किए हैं, तो बैक कर लेना है और यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट और देखने मिल जाएगा, लिरिक्स प्रोजेक्ट। तो आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है, कुछ इस प्रकार से मैंने क्रिएट करके रखा है, ठीक है। फिर लेयर पे क्लिक करना है, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है और यहाँ पर कॉपी 26 दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। फिर हम बैक करके आपका जो वायरल 100 बिट मार्क है इसको ओपन कर लेंगे।
ठीक है। आपका जो नेक्स्ट बीट मार्क है इस पर क्लिक करके आपको पेस्ट लेयर कुछ इस प्रकार से कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो एनिमेशन है वो बन के तैयार हो चुका है। अभी गाइस जो हमने ये फोटोज ऐड किए थे इस फोटोज के अंदर एक इफेक्ट लगाना है, इस पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट पर जाएंगे। ऐड इफेक्ट पर जाने के बाद यहाँ पर हम एक इफेक्ट ऐड करेंगे फैड वाला, तो ये कुछ इस प्रकार से ये फैड हो गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो ये फोटो है बाद में आएगा, जो कि बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है। फिर दोस्तों आपको आगे जाना है। अब गाइस यहाँ पर आगे जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ फोटोज अगर आपने ऐड करने हैं तो ये जो हमारा ग्रीन कलर का मार्क है इस पर क्लिक करना है। कलर पर जाना है, स्टाइल आइकन पर क्लिक कर देना है। अपने अकॉर्डिंग आपको जो फोटो पसंद आता है आप फोटो यहाँ पर चूज कर सकते हैं। कोई भी साइज ये नहीं कि आप वही साइज ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं फोटो लगा रहा हूँ ये फोटो है, तो हम प्लस पे क्लिक करके फोटोज को ऐड कर दिए हैं। फिर हम सेकंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आपको जो फोटो पसंद आता है आप फोटो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो थर्ड वाले में हम ये फोटो लगा लेते हैं और थर्ड वाले में हमने ये फोटो लगा लिया। अब आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के एनिमेशन क्रिएट हो चुके हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। फिर आपको आगे जाना है। आगे जाने के बाद यहाँ पर सारे इतने सारे ग्रीन मार्क आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा, जहाँ ग्रीन मार्क है यहाँ आपको अपने फोटोज़ को ऐड करने हैं। तो जिसका भी आप यहाँ पर फोटो ऐड करना चाहें अपने अकॉर्डिंग आपको जो पसंद है आप फोटो इसके अंदर अटैच कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कलर पे जाके ऐड किया हूँ। अब गाइस यहाँ पर आपको दो फोटोज़ का जो है बैकग्राउंड वो आपको इरेज कर लेना होगा। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और कलर पे जाएंगे। जो आपने बैकग्राउंड वगैरह इरेज किया था वो हम यहाँ पर इसको ऐड करने वाले हैं, जो कि बहुत सारे फोटोज़ हैं तो अपने अकॉर्डिंग हम कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम जो फर्स्ट फोटो हम लगाए थे ये वाला है, आप यहाँ पर प्रीव्यू में देखे होंगे। तो हम यहाँ पर इसको इस प्रकार से लगा लिए। आप कोई भी फोटो इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा फर्स्ट फोटो हो गया। अब सेकंड फोटो हम जो लगाने वाले हैं कुछ प्रकार से ये है। तो आपको अगर ये सब फोटो चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर हमने ये सब फोटोज अपलोड कर दिए हैं। तो गाइस यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमने इफेक्ट वगैरह सब यहाँ पर लगा के इसको अपलोड कर दिया है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने में लग रहा है। फिर दोस्तों आपको आगे जाना है और यहाँ पर आपका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर इरेज हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर आपका बैकग्राउंड इरेज वाला फोटोज अटैच होगा, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। कलर पर जाएंगे, स्टाइल आइकॉन पर क्लिक कर देंगे और आपका जो भी यहाँ पर फोटो अपने अकॉर्डिंग आप रखे रहेंगे वो फोटो यहाँ पर आप ऐड कर लीजिएगा। मेरे पास ये फोटो है तो मैं यहाँ पर इसको ऐड कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपका लास्ट मोमेंट है, यहाँ पर आपको कुछ इफेक्ट वगैरह ऐड करने हैं। उससे पहले हम आपको बता दें वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। सो गाइस यहाँ पर हम सबसे पहले फोटो को ऐड करेंगे, थर्ड पे क्लिक करना है, फुल स्क्रीन कर देना है। इसको अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। बच्चों भाग को हम इस प्रकार से कट कर लेते हैं। अब गाइस यहाँ से लेके आपका जो है जहाँ तक एंडिंग पार्ट है सभी जगह पर आपको अपना फोटो अटैच कर लेना है। अब इफेक्ट कौन सा लगेगा, कहाँ कहाँ पर लगेगा, तो हम बैक करेंगे और अपने सेक इफेक्ट में जाएंगे। जो हमारा ये वाला इफेक्ट है इसको क्लिक करेंगे, थर्ड पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेंगे और आपका जो प्रोजेक्ट है इसको हम ओपन कर लेते हैं। फिर दोस्तों आपको आगे जाना है। जो आपका एंडिंग पार्ट है यहाँ पर ये जो फास्ट वाला बीट है हम इस पर क्लिक करेंगे, इस इफेक्ट को यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। जो हमारा नीचे वाला इलेक्ट्रो वाला इसको ऑफ कर देंगे। ये हमारा जो इफेक्ट है गाइस 1x1 करके लगेगा, यानी जो दोस्तों जो हम फोटो यहाँ पर जो इफेक्ट ऐड करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रो वाला वो हमारा 1x1 करके लगेगा। यानी दोस्तों जो हमारा थर्ड वाला रहेगा तो ये कुछ इस प्रकार से सेकेंड वाले इफेक्ट में जाकर लग जाएगा। तो गाइस यहाँ से लेकर के पूरा लास्ट तक 1x1 आप इफेक्ट यहाँ पर लगा लीजिएगा, फोटो वगैरह भी ऐड कर लीजिएगा। तो आपका जो वीडियो है वो बन के तैयार हो जाएगा कुछ इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है। तो सेटिंग के बगल में बॉक्स पर क्लिक करके इसको आप बहुत ही आसानी से अपने गैलरी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं।